हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर। सैम है हमारा थर्ड, एक्ट है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स, कोड नंबर है हमारा 3005 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। अब से पहले मैं आपके 7 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर अपने 7 क्वेश्चनों को जाके देख सकते हो, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। वेरी 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 जितना बोला जाए इतना कम है। और आपने देखा भी होगा, मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके आने के जो चांस है 95% के आसपास है। 95% ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका 10 नंबर में आए, 5 में आए, 10 में आए या 20 में आए, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है, 95%। तो क्वेश्चन है हमारा 9, विभिन्न व्यावसायिक दुराचरण क्या है, नवीनतम वादों के संदर्भ में उसका वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, व्यावसायिक, व्यावसायिक माने होता है व्यापार, दुराचरण माने होता है गलत तरीके से वार्तालाप करना या कोई गलत कृत्य करना या समझ लो अपराध करना, ठीक है, अपराध करना, गलत बोलना। इसको ही हम क्या कहते हैं, दुराचरण या गलत तरीके से व्यवहार करना। आगे है नवीनतम वादों के संदर्भ में उसका वर्णन कीजिए। वादों का मतलब होता है केस, नवीनतम यानी जो नए केस हैं, जो इससे रिलेटेड केस हैं, जो उनको बताइए। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूं, जो केस होते हैं हमारे नंबरों को वही इंक्रीज करते हैं, कौन, केसेस हमारे, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपके केसों की संख्या अच्छी खासी रखी है, इसमें 3-4 केसेस मैंने यहां पे ऐड करे हैं, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर में या 20 नंबर में आता है, 5 में भी आ जाता है कभी कभी, तो मैं बताऊंगा आपको 5 का, 10 का और 20 का कैसे सेट करना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे आंसर हमारे यहां से स्टार्ट है, विभिन्न व्यावसायिक दुराचरण मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 विभिन्न परिस्थितियों में व्यावसायिक दुराचरण उत्पन्न होता है। देखो इसको मैंने पढ़ दिया है, इससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कमेंट आ रही थी कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ये यूनिक से है, ठीक है, क्या आप यूनिक से पढ़ाते हो, यूनिक से आपने नोट्स को लिया है, तो उन बच्चों को ये नहीं दिखता है जो अब से पहले मैंने जो आपके एक्ट कराए हैं, जो आपसे सिलेबस कराया है, उनको मैच करके देखना आपका यूनिक से कितना मिलता है। आपका अगर 15 या 10% से ज्यादा अगर मिल जाए तो मुझे बताना, ठीक है। आप यूनिक की बात करते हो, मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं यूनिक भी देखता हूं, एक्ट भी देखता हूं, अपने पर्सनल नोट्स भी देखता हूं, गाइड भी देखता हूं अलग अलग राइटर की, जहां से मुझे अच्छा लगता है, 5-6 बुक होती हैं जहां से मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है, चाहे वो आपका यूनिक से हो, गाइड से हो, बुक से हो, या कोई मेरे पर्सनल नोट्स से ही, या कोई और सोर्स से ही, मैं गूगल का भी इस्तेमाल करता हूं आपके लिए, लेकिन जहां से मुझे लगता है कि यहां से परफेक्ट है वहां से मैं आपके लिए प्रोवाइड करा देता हूं, और जहां से मुझे लगता है टफ है, अच्छा नहीं है, वहां से मैं छोड़ देता हूं। तो इस मेरा उद्देश्य ये है कि आप तक जो आंसर है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको प्रोवाइड कराऊं। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। विभिन्न व्यावसायिक दुराचरण मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 विभिन्न परिस्थितियों में व्यावसायिक दुराचरण उत्पन्न होता है। नंबर 1, सामान्य व्यवसाय से संबंधित दुराचरण। दुराचरण को मैं पहले ही समझा चुका हूं, गलती, अपराध, झूठ बोलना, इस प्रकार के दुराचरण होते हैं। सामान्य व्यवसाय से संबंधित दुराचरण नंबर 1, वकील व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ़ाने के उद्देश्य से अपने पक्षकार को धन ऋण के रूप में देता है। जहां पर पक्षकार जो होते हैं वो नहीं चाहते कि केस ज्यादा लंबा चले या वो फैसला चाहते हैं, तो जो वकील होते हैं वो उनको फुलसाते हैं,
उनसे कहते हैं कि भाई आप अभी अपने केस को बरकरार रखो, अगर पैसे की दिक्कत है तो मैं आपको पैसा देता हूं। यानी कि वो उसे तोड़ना नहीं चाहते और उसे लालच देते रहते हैं और उस पे ऋण यानी कर्ज चढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा क्या है, ये दुराचरण में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा है वकील द्वारा न्यायाधिकारी की आज्ञा के खिलाफ कार्य करता है। जब कोई वकील न्यायाधीश की आज्ञा के खिलाफ कार्य करेगा तो वो क्या होगा, दुराचरण होगा। तीसरा है वकील अपना विज्ञापन, वकील अपना विज्ञापन के जरिए प्रचार करता है तो ये क्या है, दुराचरण है। अगर कोई वकील विज्ञापन करता है अपने वकालत का और प्रचार कराता है तो वो भी क्या है, एक अपराध है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, विधि व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय करना। किसी भी वकील को विधि के साथ साथ कोई अन्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए जिससे कि विधि व्यवसाय में क्या हो, बाधा उत्पन्न हो। आपका कोई दूसरा व्यापार चल रहा है, वहां पे आप समय ज्यादा दे रहे हो और वहीं पे आपको कोर्ट में जाकर केस लड़ना है या कोई चीज फाइल करनी है या कोई साक्ष्य देना है और उस समय आप दूसरे व्यवसाय में लगे हुए हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और आपका मन जो है फिर बदल जाएगा, आपका दो तरह का मन हो जाएगा, तो प्रॉपर वे में आप जो है वकालत में ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए किसी भी वकील को दो व्यापार नहीं करने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहां पे ऐड किए हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, डॉक्टर हनीराज एल चुलानी बनाम महाराष्ट्र बार काउंसिल 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि विधि व्यवसाय के साथ अन्य व्यवसाय करना व्यावसायिक दुराचरण है। मतलब एक व्यापार, अपने विधि व्यवसाय के साथ साथ कोई तुम अन्य व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, तो वो क्या है, गलत है और वो क्या है, अपराध की श्रेणी में दुराचरण में आता है। एग्जाम्पल टू यानी केस नंबर दो है श्री माथी बनाम भारत संघ 1997। इसमें कहा गया कि यदि कोई वकील अपने व्यवसाय में अपेक्षापूर्ण असावधानी से किसी बात का संचालन करता है तो वह दुराचरण का दोषी होगा। इसमें क्या बोला है, अगर कोई वकील है और उसके पास कोई केस है और उस केस को करने के लिए, मतलब उस केस को लड़ने में वो कोई विलंब पैदा करता है या छुट्टियां ज्यादा लेता है या किसी कारण से उपस्थित नहीं होता है तो वो क्या होगा, दुराचरण की श्रेणी में आएगा। या तो आप किसी का केस लो नहीं, अगर केस आपने लिया है और जो न्यायाधीश ने डेट नियुक्त की है उस डेट पे आपको जाना है, नहीं तो आपको दुराचरण का दोषी माना जाएगा। तीसरे नंबर का केस है, मैंने बताया था मैंने हमें केस तीन चार ऐड किए हैं, तो तीसरा नंबर का केस है और इस क्वेश्चन में आपको केस ही ज्यादा लिखने हैं आप, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में हमारे बताया गया है नवीनतम वादों के संदर्भ में उसका वर्णन कीजिए, यानी खुद पूछ रहा है एग्जामिनर वाद, तो हमें इसमें केसों की संख्या ज्यादा रखनी है। केस है हमारा थर्ड, पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि वकील अपने पक्षकार के बाद में अपना व्यवसायिक हित रखे न कि व्यक्तिगत हित। देखो अगर किसी वकील के पास किसी भी क्लाइंट का केस है, वादी हो या प्रतिवादी हो, दोनों पक्ष में से कोई भी हो सकता है, उसको सिर्फ क्या है, वादी या प्रतिवादी से भाई केस किस पे होगा, वकीलों पे होगा। तो वकीलों को क्या करना है, बस अपने व्यवसायिक हित रखना है, मतलब वहां पे अपने इमोशन, अपने भावना उनको वहां पर लेकर नहीं जाना है। आपको सिर्फ क्या है, अपना व्यावसायिक कार्य करना है और यानी अपना कानूनी काम करना है। कानूनी काम करने के बाद वो अपने घर, आप अपने घर, आपको किसी से ज्यादा लालच नहीं रखना है, ना कोई पर्सनल व्यक्तिगत कोई कार्य करना है। ठीक है, आपका वादी है, सपोज करो आप वादी पक्ष से है हो, आपका नंबर वन वकील हो, ठीक है, और ये नंबर टू का वकील है प्रतिवादी, तो आपका
जो वादी है उसके साथ साथ आपको ये नहीं है कि आप प्रतिवादी से दुश्मनी करने लग जाओ, नहीं। वकील के लिए तो वादी भी उतना ही है, प्रतिवादी भी उतना ही है, दोनों पक्ष क्या है, समान है। लेकिन वकील को अधिकार है कि वो अपने पक्ष का क्या रखे, मत रखे। भाई वादी तक, वादी से वो वहां तक ही सहमत है जब तक उसका केस चल रहा है। केस के बाद वकील के लिए वादी भी समान है और प्रतिवादी भी समान है। उसे किसी से घृणा, द्वेष कुछ नहीं रखना है, अपना नॉर्मल जिंदगी जीना है, ठीक है। नहीं किसी से गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट या उससे कोई और किसी अपराध में फंसाने की कोशिश करनी, नहीं। तो यहां पे बोला है आपको सिर्फ व्यवसायिक हित रखे, न कि व्यक्तिगत हित, ठीक है। ये नहीं है कि आपने मेरे वादी से या प्रतिवादी से आपने लड़ाई की है तो आप भी उसके साथ इस प्रकार से बर्ताव करो। जब तक आप कोर्ट में हो उस समय तक आप बिल्कुल एक वादी प्रतिवादी की तरह व्यवहार करोगे, अपने वकील से भी, उससे भी, और उसके कोर्ट के बाहर निकलने के बाद आपके लिए सब समान है, ठीक है। चलो देखते हैं, दूसरा पॉइंट है न्यायालय में व्यवस्थित दुराचरण। वकील को अपना व्यवसाय करते समय अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि एक अधिवक्ता अपने अपने पक्षकार के हितों का संरक्षण करते समय अपने कर्तव्यों का उल्लंघन कर देता है जो न्यायालय के प्रति होता है, तो भी दुराचरण का दोषी होता है। जैसा कि वो किसी अन्य व्यवसाय में लग जाए या न्यायाधीश ने उनसे जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन ना करे, या वो अपनी मनमानी करने लगे। तो इस प्रकार न्यायालय से संबंधित जो दुराचरण है, जो कर्मचारी होते हैं उनसे बदतमीजी करने लग जाए, जो दूसरा पक्षकार है जिसका केस लड़ रहा है उससे दूसरा जो पक्षकार है उसके साथ बदतमीजी करने लग जाए, इस प्रकार के दुराचरण नहीं करने हैं, ठीक है। नहीं तो आप पे अपराध सिद्ध कर दिया जाएगा और आपको दुराचरण का दोषी माना जाएगा। आगे है, निम्नलिखित स्थितियों में एक वकील न्यायालय के प्रति दुराचरण का दोषी होता है, और वो कौन से हैं, अब देखते हैं। नंबर 1, जब वकील अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है। देखो जैसे दो वकील हैं आपस में कोई कार्य कर रहे हैं, अपने कोई सबूत गवाह पेश कर रहे हैं, आप उनके कार्य में दिक्कत पैदा करो, ठीक है। या कोई अपने कोई काम कर रहा है, तीसरे पक्ष का वकील है, उससे आपका ना तो केस चल रहा है, ना वो वादी पक्ष से है ना प्रतिवादी पक्ष से है, वो किसी अपना कोई कार्य कर रहा है, तो आप उसके कार्य में हस्तक्षेप करो, उसे डराओ, उसे धमकाओ, उसे ज्ञान झाड़ने की कोशिश करो उससे, तो इस प्रकार के दुराचरण आपको नहीं करने हैं। वो जो कर रहा है करने दो, सही है गलत है वो स्वयं देखेगा, आपको उसे ज्ञान नहीं देना है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, जब कोई वकील बिना किसी औचित्य के न्यायालय से स्थगन आदेशों की याचना करता है, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है और उससे कहता है कि इसमें डेट आगे कर दो या इसको खारिज कर दो, उस प्रकार की स्थिति में भी वो दुराचरण का दोषी माना जाएगा। तीसरा, जब वकील ईमानदारी और स्पष्ट वादिता का पालन ना करे, यानी वो झूठ बोलेगा, तो उसे दुराचरण का दोषी माना जाएगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, जब वकील न्यायालय को अनुचित रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि वकील कुछ इस प्रकार के कृत्य करे, हास्य करे, कोई बागपटुता करे, चालाकी दिखाए, जिससे कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे, कर्मचारियों से छेड़खानी, वादी प्रतिवादी को परेशान करना, झूठे दस्तावेज देना, समय पर नहीं आना, अगर समय पर आ रहा है तो अपनी फाइल को सबसे पहले लगाने की कोशिश करना, लड़ाई झगड़े करना, झगड़ालू टाइप होना, इस प्रकार के दुराचरण करना भी क्या है, न्यायालय उस पर केस ठोक सकती है और उसे बर्खास्त कर सकती है, दोनों ही काम कर सकती है, ठीक है। नंबर 5, जहां वकील न्यायालय को किसी मामले में रिश्वत देने की कोशिश करता है। भाई कुछ वकील ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि न्यायाधीश को पैसा चला जाए और हमारा केस यहीं पे सॉल्व हो जाए, तो उस स्थिति में वो क्या होगा, दुराचरण का दोषी होगा। 6 नंबर का पॉइंट है, जहां कोई वकील किसी मामले में न्यायालय के समक्ष एक पक्षकार की ओर से उपस्थित हो जाता है तथा बाद में वह विपक्षी की ओर से वकील हो जाता है। देखो
दो पक्ष होते हैं, वादी एक होता है प्रतिवादी। यहां पे दो बात बोली हैं भाई, वादी का अपना एक वकील होगा, वकील नंबर वन, प्रतिवादी का भी अपना एक वकील होगा, वकील नंबर टू। ठीक है भाई, अब एक बात यहां पे आती है भाई, जो वकील है केस किसका लड़ रहा है, वादी का। वादी कौन है, एक पक्षकार है। ठीक है, प्रतिवादी कौन है, एक पक्षकार है। अब तारीख पर कौन जाएगा, वकील तो जाएगा ही जाएगा, वकील के साथ उसके पक्षकार भी जाते हैं, वादी भी और प्रतिवादी भी जाते हैं। अगर किसी कारण से वादी या प्रतिवादी के जो पक्षकार हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं, और हर बार जो वकील उनकी जगह खुद आकर खड़ा हो जाता है, तब भी वो दुराचरण का दोषी होगा, कौन, वकील। ठीक है कि भाई आपने पक्षकार को तो लेके नहीं आते हो, चाहे वो वादी का वकील हो चाहे प्रतिवादी का वकील हो, वो क्या होगा, दोषी कहलाया जाएगा कि आपके पक्षकार तो आते नहीं है, आप उनकी जगह पर आकर खड़े हो जाते हो। दूसरा क्या है, नंबर वन, दूसरा है वादी या प्रतिवादी। ठीक है, वादी का भी वकील होता है जैसा कि अभी ऊपर बताया है मैंने, और प्रतिवादी का भी वकील होता है। अपने अपने केसों को दोनों लड़ रहे हैं, अगर किसी कारण से वादी या प्रतिवादी के इन वकीलों में से कोई छुट्टी कर लेता है, एक, या कोई अन्य कोई केस है भाई, जैसे तीसरा केस चल रहा है किसी का, वादी है प्रतिवादी है, ये वकील जो छुट्टी पर कहीं चला जाता है, ठीक है, और ये वकील है उपस्थित, तो यहां पर ये नहीं है कोई तीसरा वकील आकर यहां पर ऐड हो जाएगा, नहीं, ये क्या होगा, दुराचरण का दोषी हो जाएगा जो यहां पर आकर ऐड होगा और जिसने ऐड किया है वो। या दूसरी बात, जैसे ये वकील उपस्थित नहीं है पहले वाले का, तो दूसरे वाले का वकील बोले कि मैं अपने केस को भी देख लूंगा और आपके केस को भी सॉल्व करा दूंगा, मतलब आपकी तरफ से भी लड़ लूंगा आज के दिन और अपनी तरफ से भी लड़ लूंगा, तो ये जो वकील है ये दुराचरण का क्या होगा, दोषी होगा, क्योंकि भाई आपको सिर्फ अधिकार अपने प्रतिवादी ये की ओर से लड़ने का है। भाई एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, क्योंकि हो कोई सा भी वकील सकता है, वादी का या प्रतिवादी का, लेकिन मैंने एक लिया है प्रतिवादी। अगर प्रतिवादी का वकील ये कहे कि वादी का वकील नहीं आया है, तो मैं वादी की तरफ से भी कार्रवाई करूं, तो वो क्या होगा, दुराचरण का दोषी होगा। भाई अपने अपने केस से मतलब रखना है, दूसरे के केस में फॉर्म नहीं देना है, चाहे वो उपस्थित हो या ना हो, ये सिर्फ न्यायाधीश का कार्य है, वो क्या कार्रवाई करेंगे, ये बात यहां पे बोली है। जहां कोई वकील किसी मामले में न्यायालय के समक्ष एक पक्षकार की ओर से उपस्थित हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर वन, जो स्वयं उपस्थित हो जाता है पक्षकारों की ओर से, दूसरा है, तथा बाद में वे विपक्षी की ओर से वकील हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया है विपक्षी, भाई इसका ये विपक्षी है, इसका ये विपक्षी है, अगर ये छुट्टी पर है तो ये खड़ा हो जाता है, अगर ये छुट्टी पर है तो ये खड़ा हो जाता है, तो ये क्या है, दुराचरण। भाई जिसका केस है सिर्फ वही खड़ा होगा। आगे का पॉइंट समझते हैं, जब वकील न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तथा अपने आचरण और व्यवहार से न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुंचाता है, जो कोर्ट ने उससे जवाब करा है या सवाल किया है उसका उत्तर नहीं देता है या न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो वो दुराचरण का दोषी माना जाएगा। तीसरा है पक्षकार के प्रति दुराचरण। माना है, माना कि कोई वकील किसी पक्षकार का नौकर नहीं होता, फिर भी वादकारी का वह प्रतिनिधित्व उससे न्यासी के रूप में करता है। भाई सपोज करो, जो कोई वकील होता है, अगर किसी प्रतिवादी ने उसे पैसे देकर ले लिया है कि भाई आप हमारे केस को लड़ोगे, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो वकील है उसने खरीद लिया है प्रतिवादी ने, सॉरी, उसने पक्षकार ने खरीदा है, लेकिन न्यासी के रूप में उसे वादकारी के हित का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि अब एक बात बताओ, वादी है या प्रतिवादी, कोई भी हो सकता है, दोनों का क्या होता है, एक वकील होता है,
भाई ये पैसे ही देते हैं इसे काम करने के, ये खरीद तो लेते नहीं है वकील को। लेकिन वकील का भी कर्तव्य है कि वो समय से कोर्ट में आए और उनके जो केस हैं उसमें उचित तरीके से कार्य करे, ठीक है। अर्थात वकील और वादकारी का संबंध विश्वास पर आधारित है। यदि कोई भी वकील अपने पक्षकार के प्रति विश्वासघात करता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जाता है। हालांकि ना तो वे वाद या प्रतिवादी वकील को खरीदते हैं, सिर्फ अपने वाद के लिए उसे कार्य के लिए रखते हैं कि आप हमें न्याय दिला दो। अगर वकील फिर भी उनके न्याय दिलाने में विलंब करता है, उपस्थित नहीं होता है, झूठे दस्तावेज पर पेश करता है अपनी तरफ से, या कोई आपस में वकील वकील आपस में क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, मिल जाते हैं, तो वो क्या होगा, दुराचरण का दोषी होगा वकील। क्योंकि वादी या प्रतिवादी कोई भी व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन या उल्लंघन हुआ होता है, तो वो सोचता है यार वकील ही हमारे अधिकारों का जो हनन और उल्लंघन हुआ है उसे हमें न्याय दिलवा देगा, हमारे अधिकार हमें वापस दिलवा देगा। लेकिन वकील ही इस प्रकार से कार्य करें, समय पर नहीं आना, उन्हें परेशान करना, पैसे ज्यादा लेना, उन्हें डराना धमकाना, तो उसमें वो क्या होगा, दुराचरण का दोषी होगा। यहां पर केस है, केस नंबर 4 ऐड किया है मैंने यहां पे, जदहारा बनाम मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ आदि। आदि का मतलब मैं आपको बता देता हूं, आदि का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भाई बहनों को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन आज आदि शब्द आया है तो आदि को अच्छे से बता देता हूं। जैसे यहां पे है जदहारा, तो यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, बनाम मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ, ये दूसरा व्यक्ति है। जैसे हम किसी के ऊपर एफआईआर करते हैं तो वहां पे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी अन्य व्यक्तियों का नाम ले लेते हैं, तो जब हमारा केस यहां पर रहेगा तो हम उनमें से किसी जो मेन व्यक्ति होता है उसका नाम ऊपर ले लेते हैं। और आदि का मतलब होता है कि इस केस के अंदर जो एफआईआर है या जो केस चल रहा है इसमें और व्यक्ति भी शामिल हैं। तो यहां पर है जदारा बनाम मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ के साथ साथ और भी व्यक्ति होंगे, 2 हों, 3 हों, 4 हों, जो इस केस में शामिल हैं, जिनके ऊपर यह केस चल रहा है, उनको आदि के रूप में लिखा जाता है। सबकी लिस्ट नहीं बनाई जाती है, ठीक है, एक मेन आदमी का नाम ले लिया जाता है दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ ज्यादा ज्यादा व्यक्ति हैं तो एक एक आदमी का नाम ले लिया जाएगा जो मेन है, और अगर इसमें भी ज्यादा है तो यहाँ पे आदि लिख दिया जाएगा, जधारा आदि बनाम मुस्तफा हाजी मोहम्मद यूसुफ आदि। ऐसे उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। केस इसका जो सन है 1993, सुप्रीम कोर्ट है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, अगर आपको सन याद नहीं रहते हैं तो आप सन छोड़ सकते हो, ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वकीलों का व्यवसाय बहुत गरिमा और गुणवत्ता का व्यवसाय है। विधि व्यवसाय की गुणवत्ता को सर्वोच्च बनाए रखना प्रत्येक वकील का कर्तव्य है। वकीलों को इस प्रकार का कार्य और व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए जिससे कि अपनी गरिमा को ठेस लगे। यहां पर कहा गया है वकीलों को सब लोग सम्मान से देखते हैं, तो वकीलों का भी कर्तव्य है कि वो इस प्रकार से काम करें कि उनके सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उनका जो सम्मान है वो बरकरार बना रहे, उन्हें भी उस प्रकार से कार्य करना चाहिए, तभी उनका सम्मान बरकरार रहेगा। आगे मैंने एक केस और ऐड किया है, केस नंबर है हमारा 5, अभय प्रकाश सहाय बनाम उच्च न्यायालय पटना 1998। इसमें पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि वकालत का व्यवसाय आरंभ से ही उच्च स्तरीय बौद्धिक और नैतिक व्यवसाय माना जा रहा है, जाता रहा है, यानी बौद्धिक, यानी बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकते हैं। नैतिक व्यवसाय यानी सामाजिक कार्य के साथ साथ व्यवसाय होता है, सभी को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, उच्च स्तरीय है, इसका जो सम्मान क्या है बहुत ऊपर है, समाज में वकीलों का प्रतिष्ठित स्थान रहा है, अतः उनसे आशा की जाती है कि वे विधि व्यवसाय के प्रति जागरूक रहें। यानी कि जिस प्रकार से उन्हें बौद्धिक सम्मान प्राप्त है, उच्च लेवल का उन्हें व्यक्ति माना जाता है, सब उनकी इज्जत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, तो उसी प्रकार से जिस आस के और जिस
उद्देश्य से व्यक्ति आप वकीलों के पास आते हैं, उस उद्देश्य को, उस आस को, उस न्याय को उन्हें दिलाना चाहिए जो वादी हो या प्रतिवादी, जो भी पक्षकार वकीलों के पास आता है, उनके विश्वास पर वकीलों को खरा उतरना है, नहीं तो आप दुराचरण के दोषी कहलाए जाओगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए धन्यवाद। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो इस नंबर पर आकर हमसे परचेस कर सकता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।